जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों एसटीईटी 2023 के पेपर वन के साइंस विषय का जो आंसर की जारी किया गया था पहली बार, उसमें 50 से अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर बीएससीबी ने जारी किया था, जिसका कल दिन भर विरोध हुआ। विरोध का असर भी हुआ कि शाम में बीएससीबी ने गलत उत्तर कुंजी को वापस ले लिया। इसके लिए बीएससीबी और बिहार सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और हम लोगों की बात मानकर गलत उत्तर कुंजी को वापस ले लिया। आज नया उत्तर कुंजी साइंस विषय का जारी किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा हमें बताया गया कि इसमें भी 8 से 10 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। म्यूजिक सब्जेक्ट वाले भी हमें फोन करके बता रहे हैं कि उसमें भी गलत उत्तर दिए गए थे 8 से 10 प्रश्नों के। सोशल साइंस वाले भी हमें फोन करके बता रहे हैं कि सोशल साइंस में भी गलत उत्तर दिए गए हैं। इसी तरह अन्य, यानी कि कहा जाए तो सभी विषयों में, सभी पेपर में 8-10, किसी में 12, किसी में 15 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए हैं। तो अभ्यर्थियों से हम अपील करते हैं कि जिस प्रश्न का भी उत्तर आपको गलत लगे उस पर आपत्ति जरूर दर्ज कीजिए, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है। तो आप आपत्ति जरूर दर्ज कीजिए, ये फाइनल आंसर की नहीं है, इसमें सुधार होगा। तो आप आपत्ति जरूर कीजिए समय सीमा के अंदर। जिन सब्जेक्ट्स का पहले आंसर की जारी हो गया और आप लोगों ने आपत्ति दर्ज किया है, उस पर भी बीएससीबी को विचार करना होगा। और बीएससीबी से, और खासकर बीएससीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर जी से हम अनुरोध कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि आप अपने तथाकथित एक्सपर्ट टीम को चेतावनी दीजिए कि एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि एक भी गलत उत्तर नहीं होना चाहिए, गलत उत्तर पे मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक भी प्रश्न का अगर गलत उत्तर देकर मूल्यांकन होता है तो इससे हजारों अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए, आपके जो तथाकथित एक्सपर्ट हैं, कि एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। और जितने भी प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज किया है, उन सभी पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया जाए, सही सेट किया जाए, यानी कि सही उत्तर, सभी प्रश्नों के सही उत्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही आनंद किशोर जी से हम ये आग्रह कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि आप अभी आंसर की दिए हैं, प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ, उसमें इतनी गलतियां हैं, जब फाइनल आंसर की तैयार होगा उसमें क्या भरोसा है कि उसमें सही होगा सभी प्रश्नों का उत्तर। तो इसलिए आप फाइनल आंसर की को भी जारी कीजिए, यानी कि मूल्यांकन से पहले आप फाइनल आंसर की जारी कर दीजिए, ताकि अभ्यर्थी देख सके कि किन प्रश्नों का उत्तर क्या दिया गया है। अगर उस पर किसी को आपत्ति हो तो उस पर भी वो लोग अपनी बात रख सके, आपत्ति दर्ज कर सके, ये होना चाहिए। एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। बीपीएससी पीटी में ही पहले होता था कि फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद जारी किया जाता था और उसमें कुछ गलत दे दिया जाता था। हम लोगों ने पिछली बार जब आंदोलन किया तो अब देखिए बीपीएससी में 68वीं से क्या हुआ कि फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले प्रकाशित कर दिया जाता है और उस पर भी अगर आपत्ति हो तो आप दर्ज कर सकते हो। तो इसीलिए इसी आधार पर बीएससीबी के चेयरमैन आनंद किशोर जी से हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप फाइनल आंसर की पहले जारी कर दीजिए, रिजल्ट से पहले, मूल्यांकन से पहले फाइनल आंसर की जारी कीजिए। साथ ही आप आंसर की तो जारी किए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपने स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स शीट क्यों नहीं जारी किया? स्टूडेंट्स 150 का 150 क्वेश्चन कैसे मिलाएंगे कि उन्होंने किस क्वेश्चन में क्या टिक लगाया है? तो आप स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स शीट भी जारी कीजिए ताकि स्टूडेंट्स भी देख सके कि उन्होंने किस क्वेश्चन का क्या आंसर टिक लगाया था। तो इसके लिए आपको रिस्पॉन्स शीट भी स्टूडेंट्स का जारी करना चाहिए, यह हम मांग कर रहे हैं। और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो, इसके लिए आप अपने एक्सपर्ट टीम को चेतावनी दीजिए ताकि एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो। धन्यवाद। जय हिंद।